हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल्स पर देख के ही पता चल गया होगा कि बीएड का नोटिस जारी हो गया है। जो एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाला था, 23 जून को, वो एग्ज़ाम अग्निपथ को लेकर के जिसका डेट आगे बढ़ गया था, उसका डेट रीशेड्यूल कर दिया गया। मतलब वो 23 तारीख का जो एग्ज़ाम था बीएड का, वो एग्ज़ाम अब आपको 6 तारीख को होगा। इससे पहले पेपर की कटिंग हम वीडियो डाले थे क्योंकि पेपर में आउट किया था नोटिस, लेकिन उसका जो बिहार बीएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अभी हम चेक किए तो उस पर नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी पर से ये पीडीएफ हम डाउनलोड किए, जिस पीडीएफ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। वही बात लिखा हुआ कि 6 जुलाई को आपको आपका एग्ज़ाम होगा, सेम सेंटर पर होगा, सेम टाइम पर होगा। उस समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ एक ही चेंजेज हुआ है, जो एग्ज़ाम 23 तारीख का था वही एग्ज़ाम आपको होगा 6 तारीख को। देखिए, एक बार हम नोटिस को पढ़ देते हैं, आप भी देख लीजिए अच्छे से। अधिसूचना निर्देशानुसार बीएड में नामांकन इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2022 सीईटी बीएड 2022 जिसको बोलते हैं, दिनांक 6/7/2022 मतलब बुधवार को 6 तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक, सेम चीज़ था, 23 तारीख को एग्जाम होने वाला था वही एग्जाम आपको कितना तारीख होगा, 6 तारीख होगा, बजे तक पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही होगा। मतलब जो एग्जाम सेंटर फिक्स किया गया था, जो टाइम फिक्स किया गया था वही होगा, कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, बस डेट बदल गया है। अच्छा, एक और बात पर आगे, पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र मतलब वही एडमिट कार्ड का बात करें, एडमिट कार्ड समय एवं अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। मतलब जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया गया था इससे पहले, वही एडमिट कार्ड वर्क करेगा, आपको कोई नया एडमिट कार्ड फिर से जारी नहीं किया गया है। इसलिए आप अपने जो एग्जाम का तैयारी कर रहे थे उसको जारी रखें और 6 तारीख को उसी एग्जाम के लिए फिर से जाए। कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।